नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्पर टाइम। शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। खरगोन दंगा मामलों में दंगा पीड़ितों को मिलेगा न्याय। 50 दंगाइयों से वसूले जाएंगे करीब 7.5 लाख रुपए। देश के पहले क्लेम ट्राइब्यूनल ने पहली बार सुनाया फैसला। कल से भोपाल में सप्ताह व्यापी अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव। विदेशी कलाकार करेंगे मुक्ताकाश मंच पर करेंगे रामायण का मंचन। हनुमान चालीसा पर आधारित संकट मोचन चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी। आम जनता के लिए कल से खुलेगा कुनू नेशनल पार्क। कुनू नेशनल पार्क के 3 गेट से अभी सिर्फ 2 गेट ही खोले जाएंगे। चीतों के बाड़े के नजदीक होने से 3 गेट से होगी एंट्री बंद। मध्य प्रदेश को तत्वातर कर विदा हुआ मानसून। न्यूनतम मानसून में आई गिरावट, गुलाबी ठंडी शुरू। दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। हिंदी में MBBS की पढ़ाई का कल होगा शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शाह करेंगे हिंदी पुस्तकों का विलोचन। आज सभी जिलों में हिंदी में ज्ञान का प्रकाश कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के स्वागत में राजधानी तैयार। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 जवान। 12 IPS अधिकारी भी संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 से 7 नवंबर तक मनेगा। सीएम शिवराज सिंह ने स्थापना दिवस को लेकर ली बैठक। लाल परेड मैदान में सिंगर जुबेर नौटियाल देंगे प्रस्तुति। सीएम धामी 17 अक्टूबर से MP दौरे पर। सागर में सैनिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह। DNBC स्कूल भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहरों में लाडली लक्ष्मी वाटिका बनाएगी प्रदेश सरकार। हर शहर के पार्कों में वाटिका बनाने का मांगा सुझाव। इसके सभी कलेक्टरों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश। कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर MP में हुए अभिभूत। दूसरे राज्यों की उपेक्षा के बाद थरूर ने जताया संतोष। कमलनाथ को दोस्त बताकर थरूर ने की तारीफ।